अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ जहाँ भी हैं अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत, बहुत स्पेशल और बहुत ही प्यारे प्यारे कटवर्क डिज़ाइनिंग के ऊपर है। अगर आप ईद का ड्रेस या पार्टी का ड्रेस तैयार करना चाहते हैं और उसके ऊपर कटवर्क का काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कटवर्क के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे कि आप अपने ड्रेस के ऊपर किस तरह का कटवर्क का काम करवा सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको कटवर्क के बहुत ही खूबसूरत बाजू के ऊपर कटवर्क के डिज़ाइन, दामन के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर कटवर्क के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे बहुत ही प्यारे कलर कम्बिनेशन के साथ, कि आप किस कलर के ऊपर किस कलर के धागे का कटवर्क करवा सकती हैं। तो इस वीडियो में आपने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन देखने हैं। वीडियो को आपने देखना मिस नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें सारे ही डिज़ाइन बहुत खूबसूरत चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं कटवर्क के। ये पिस्ता कलर के ऊपर पिंक धागे के साथ कटवर्क किया गया जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत नफीस के साथ कटवर्क किया गया। ये टी पिंक के ऊपर ब्लैक धागे के साथ कटवर्क करके और दुपट्टे के ऊपर जो है वो लेस का काम किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वाइट के ऊपर ब्लैक धागे का कटवर्क किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर तो आप सिलाई करना जानती हैं और आप घर में ख़ुद कटवर्क का काम करना चाहती हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने घर में खुद तैयार करना चाहती हैं तो ये ग्रीन के ऊपर पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत और बहुत नफीस कटवर्क का काम हुआ है। तो अगर आप घर में खुद तैयार करना चाहती हैं तो उसके लिए आप बुकरम ले लें। बुकरम जो आप मार्केट में मिल जाते हैं उसको आपने इस्त्री के साथ कपड़े के ऊपर चिपकाना है और कोई भी फूल पत्ती जो खूबसूरत आपको ट्रेस करनी आती है वो आपने पेंसिल से ट्रेस कर लेना है और मशीन की फिरकी में रेशम का धागा भर के तो आपने वो डिज़ाइन जो है वो मशीन से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने काविया लेना है, काविया भी बाज़ार में आप मार्केट में मिल जाता है काविया। उसके साथ आपने जो इजाफी कपड़ा है वो काट के तो कटवर्क तैयार करना है। वैसे तो इजाफी कपड़े और धागे को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल होता है लेकिन कटवर्क में सिर्फ काविया का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको खुद कटवर्क करना नहीं आता तो आप बाज़ार से भी करवा सकती हैं। बाज़ार से आप मशीनी कढ़ाई वाली शॉप से आप अपनी मर्ज़ी का कटवर्क करवा सकते हैं। ये वाइट के ऊपर मल्टी धागे के साथ कटवर्क का काम है जो बहुत ही खूबसूरत और वंडरफुल लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप शिफॉन के ऊपर भी करवा सकते हैं, क्रिंकल के ऊपर भी करवा सकते हैं। ज़्यादातर तो ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर कटवर्क का काम अच्छा लग रहा है और चल रहा है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप जिस कपड़े पे चाहें कटवर्क का काम करवा सकते हैं। अगर आप लोन के ऊपर करवाना चाहते हैं तो लोन के ऊपर भी आप करवा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह का ड्रेस जो है वो तैयार करना है और किस मौसम के मुताबिक आपने करना है। तो वैसे तो आजकल ईद का सीज़न चल रहा है तो माशाल्लाह सभी अपने ड्रेसेस को बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार करना चाहती हैं। तो कटवर्क का काम अगर आप करने करवाना है तो इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत कटवर्क के डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये ब्लैक के ऊपर वाइट धागे के साथ कटवर्क का काम हुआ है, ये आगे हुए वाइट के ऊपर ब्लैक धागे से हुआ है, तो इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत आइडिया मिलेंगे। ये देखें, ये लोन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है कटवर्क। ट्राउज़र के ऊपर इसके बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत काम है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, आपने कमेंट करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।